हाय ऑल, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कारवार की रॉक गार्डन। तो शाम में हम घूमने आ गए थे रॉक गार्डन, सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लो किस तरीके से होता है। तो कारवार बीच के बाद में वॉरशिप म्यूज़ियम के बाद में जो आता है ये है रॉक गार्डन। तो ये सारे एक ही प्लेस पे है, तो आप जब भी आओगे विज़िट करके जाइए। तो ये देखिए रॉक गार्डन, तो हम अंदर एंटर कर रहे हैं। रॉक गार्डन में ना कर्नाटका का जो टिपिकल जो होता है उसी का एक छोटा सा एक स्टैचू वगैरह बना के लगा के उस पूरे डिटेल उन्होंने दिया है जो पुराने कम्युनिटी के लोग किस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रॉक गार्डन टिकट्स है अडल्ट को 40 और चिल्ड्रंस को 30 रुपीज़, और लंच ब्रेक में 1 to 3 PM तक क्लोज रहेगा। बाकी का जो टाइमिंग मैंने दिया है वो पॉज करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना है हमें, और इस तरीके से वहाँ पे टिकट चेकिंग होती है, फिर वहाँ से अंदर जाके गार्डन को देखना है पूरी तरीके से। गार्डन जो है एकदम बढ़िया सा लगा मुझे। तो आप मॉर्निंग में वगैरह जाएंगे तो आफ्टरनून तक आराम से फिर के बाहर आ सकते, कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेके जाके खा भी सकते। अगर पूरा पिकनिक का प्लान कर रहे तो भी एकदम बढ़िया सा प्लेस है। ये देखिए साइंस सेंटर भी है नियर बाय, वो भी देख सकते हैं। काली रिवर गार्डन का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप वो भी देखिए। इस तरीके से हम अंदर जाना है, वहाँ पे एक फाउंटेन जैसा सामने दिया गया है और यहाँ पे भी एक पानी का झरना जैसा किया गया है। ये भी बहुत ही बढ़िया लगा फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए, बहुत ही बढ़िया सा एक अच्छा लगा मुझे। ये देखिए यहाँ पे पानी गिरने का दोनों तरफ से, ये भी बहुत बढ़िया लगा। इसके अंदर से हम एंटर करेंगे, एक छोटा सा ब्रिज जैसा बनाया है। व्यू भी एकदम बढ़िया लगा, एकदम ग्रीनिश जैसे, एकदम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लगता है ये सब देखने के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिश भी है, कुछ फिश छोड़ रखा है उन्होंने। यहाँ से अंदर एंटर करना है, तो यहाँ पे भी ऐसा इवनिंग में लाइटिंग वगैरह लगाते हैं ना और बढ़िया लगता है। तो हम एक शाम में 4 बजे ऐसे गए थे। ये देखिए यहाँ पे फिश छोड़ रखा है उन्होंने, कलर कलर बहुत ही बढ़िया लगा। ये सब बच्चों को फैमिली वगैरह लेके जाके दिखाना चाहिए, कर्नाटका के जो टिपिकल जो होता है उसी का एक बयान किया है इसमें। और अब जब भी विज़िट करोगे तो बीच देख सकते हैं, फिर बच्चों का गार्डन है, फिर वॉरशिप म्यूज़ियम देख सकते हैं, फिर रॉक गार्डन देख सकते हैं। ये चारों जो है एक ही प्लेस पे है, वॉकेबल डिस्टेंस में ही है, चल करके आप जाके ये पूरे चीज़ देख सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, और मेन हाईवे पर है। मेन बात यही है कि मेन हाईवे पर ये है, क्योंकि गोवा अगर मैंगलोर रूट से जा रहे हैं तो मेन हाईवे पर ही है, और मैंगलोर से गोवा रूट इस तरफ महाराष्ट्र रूट जा रहे हैं तो NH 66 हाईवे जो होता है उसी के नीचे जो है IRB का काम चल रहा है ब्रिज का, तो नीचे के रोड पे ये सब सिचुएटेड है, ये पूरे चीज़ प्लेसेस जो है। अभी ये देखिए ये कर्नाटक के जो अलग अलग कम्युनिटी थे ना उन्हीं के एक बयान किया हुआ है। पहले के जो लोग होते थे इस तरीके से देखे कपड़े वगैरह पहनते थे। एंड में मैं उसके फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी, हमने थोड़ा फ़ोटोज़ भी निकाला। आप आ रहे तो आराम से बैठ कर के स्नैक्स वगैरह खाना वगैरह अगर कुछ लेके आते खा सकते हैं आप, एक छोटा सा अच्छा बढ़िया सा एक पिकनिक हो जाएगा। और बहुत सारे प्लेसेस मैंने डाला हुआ है, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी आपको, और आई कार्ड पे काली रिवर गार्डन का भी दे दूंगी, आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी कारवार के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ मैं आपको। आप कोई भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये मट्टी का घर है। ये सब घर हमें कहाँ अभी देखने मिलता है, ये जो पुराना है किस तरीके से मट्टी के घर होते थे। ये देखिए बाहर कैसे इस तरह बच्चों को लेके बैठने का बात करने का, मुझे लगता है आजकल इस तरीके से एक
जो व्यू है मुझे नहीं लगता है कहाँ पे दिखने के मिलता है, क्योंकि आजकल सारे लोग अब मोबाइल पे बिजी हो गए हैं। घर पे आ गए तो भी फैमिली के साथ वक्त बिताना भी मुश्किल हो गया है आजकल। ये जो कम्युनिटी है अभी जो दिखाया मैंने, कुणबी कम्युनिटी बोलते हैं इससे, कुणबी, तो उस तरीके से उनकी कम्युनिटी के लोग है इस तरीके, उन लोग ऐसे रहते, इस तरीके से कपड़े उनका वेशभूष जो है इस तरीके से होता है। और ये देखिए इस तरीके से लकड़ी काट रहे और चटनी विटनी वगैरह पीसने का, ये सब कहाँ देखने मिलता है आजकल, कुछ नहीं, सब मॉडर्न ज़माने हो गए। तो इस तरीके से सब कहीं पे नहीं है, मुझे लगता है विलेजेस में वगैरह आजकल भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इस तरीके से मिट्टी के घर, ये अलग एक कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी वेशभूषा उनके कपड़े वगैरह इस तरीके से होता है। कुछ डांस है उनके, डोल डांस कुछ बोलते हैं, देखिए डोल बजा रहे बंदा, ये देखिए ये सब स्टैचूज बहुत ही अच्छे से बढ़िया से बनाया है उन्होंने। ये देखिए घर, देखिए छत भी, देखिए इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो खिड़की वगैरह होते हैं ना, विंडो वगैरह, पहले ज़माने में तो ऐसे होता था ना, पहले इस तरीके से लकड़ी की, कुछ बाम्बू के वो कुछ बोलते हैं ना लकड़ी, उस तरीके से इससे होता था। ये देखिए वो ये सारे चीज़ें यूज़ करते थे वो। ये सब सिर्फ शो के लिए रखा है, तो आप समझ सके इस तरीके से कम्युनिटी के लोग होते हैं। बहुत ही सुंदर सा व्यू है इस तरीके, पूरे गार्डन में ग्रीनीज जो है एकदम बरकरार रखे, एकदम प्लांट्स वगैरह लगा के बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए बैठने के लिए इस तरीके से लकड़ी का स्टैंड बनाते हैं। ये देखिए ये सब कौ को जो है गाय को लेके कुछ क्या हो खेती बाड़ी में वगैरह काम किस तरीके से होता था ना। सब देखने के लिए बहुत टाइम, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब ये सब कहाँ देखने मिलता है हमें। नल्ले का घर, और पहले तो वो छुड़ती कुछ नारियल का वो उससे बांध करके बनाते थे, इस तरीके से आंगन बैठने का वो सब एक अलग सा ही। देखो एक भाजी बेचने वाले इस तरीके से, छोटा गाय का बच्चा बछड़ा है, ये सब एक कहाँ देखने के लिए बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है। विलेजेस में वगैरह आजकल भी है, लेकिन बहुत ही सिटी मॉडर्न, पूरे सब तरफ मॉडर्न ही मॉडर्न हो गए हैं। मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से व्यू वगैरह है ना। अगर कर्नाटक में इस तरफ से अगर बात करूँ तो उड़वी उस साइड में जाएंगे तो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर मैं कभी भी जाऊंगी किधर भी, आपको वीडियोस बताऊंगी मैं आगे, वीडियोस करके आप भी देखिए, आप भी एंजॉय करिए। कभी कभी हमें रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, घर से कहीं पे बाहर जाके फैमिली के साथ रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और पैसे तो हम कमा लेते लेकिन हेल्थ को हम संभाल नहीं पाते, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल सी बात है। तो फैमिली के लिए टाइम दीजिए, अपना हेल्थ के लिए टाइम दीजिए, वो सब ये सब चीज़ें जाके देखिए, बाहर जाकर एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, वो ना फैमिली को भी खुश, आप भी खुश होंगे, फैमिली भी खुश होंगे। ये असल समुदाय बोल के कुछ कम्युनिटी के लोग हैं। सारे जो घर वगैरह देखने के लिए ना बहुत ही बढ़िया लगा। एक एक 2-3 साल पहले मैं उड़वी वगैरह गई थी, वहाँ पे मुझे ना ऐसे एक विलेज टाइप का एक नज़ारा बहुत ही है वहाँ पे। अगर कर्नाटक की बात करूँ तो मैं यहाँ आसपास में मैं गई थी, वो उड़वी है, तो उधर इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे कम्युनिटी के लोग नहीं, वहाँ पे विलेज जैसा एक हमें फील कर सकते हैं हम। देखिए बेटा वहाँ पे जाके,
हाइट चेक कर रहा है अपना। इस तरीके से अलग ही कम्युनिटी के लोगों का डांस होती थी। बच्चों को खेलने के लिए भी कुछ बनाया गया, लेकिन वो सभी अभी मेंटेन नहीं है। बाकी जो है हम एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही, ये सब फिर के देख के ना बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं हम। यहाँ से देखिए बीच भी दिख रहा है, वहाँ पे समुंदर जो है दिख रहा है। तो आप ये रॉक गार्डन देख के उस तरफ जाके बीच भी देख सकते हैं, या फिर बीच देख के इस तरफ आके रॉक गार्डन भी, सारे आसपास में ही है। देखिए ये एक अलग तरीके के डांस है, कथकली या भरतनाट्यम बोलते हैं, लेकिन ये क्या है एक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन उस तरीके से एक वेशभूषण है उनका, कपड़े वगैरह। और ये देखिए इस तरीके से एक अंदर जाने के लिए एक गार्डन भी दिया गया है, ये भी वहाँ पे जाके बैठने के लिए स्टैंड वगैरह बनाया है। ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे, अगर किसी को रील्स वगैरह बनाने के लिए या तो फिर फोटोज़ खींचने के लिए, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये प्लेस भी उसी रॉक गार्डन के अंदर ही, अंदर सा एक गार्डन छोटा सा बनाया गया है उन्होंने बैठने के लिए वगैरह, स्टैंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठ के कुछ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं हम। जब भी मौका मिलते हैं कहाँ का छोटे छोटे प्लेसेस है तो भी हम जाके देखते हैं। मैं बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, फैमिली, क्योंकि ये छोटे छोटे पल ना दोबारा आएगा हमें नहीं पता है, तो जितना होता है उतना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए हम। देखिए यहाँ पे एक ये सब खेती में जो है काम करते, इस तरीके से कपड़े वगैरह डालते। ये देखिए पहले के जो है गधे पे लोग जो बिठा के लेके जाते थे, वो लॉन्ड्री का वगैरह कपड़ा वगैरह है धुलने के लिए, इस तरीके से लेके जाते, या फिर छोटे बच्चों को बिठा देते थे। अभी तो हमें जू में दिखने मिलता है कि डोंकी वगैरह गधा जो है जू में दिखने मिल रहा है आजकल। यहाँ पे देखिए ये एक अलग कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे पानी खींच रहे बॉडी से। आजकल ऐसे बॉडी वेल जो है कहाँ देखने मिलता है, मतलब है घरों में, लेकिन पानी हम नहीं खींच रहे, अब मोटर लगा देते हैं, तो इस तरीके से एक्टिविटी जो है होती नहीं है। इसीलिए हम हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, हमारे हेल्थ के लिए जो है हम टाइम वक्त नहीं दे पा रहे। हम हर चीज़ मॉडर्न इसकी करना चाहते हैं। पहले के लोग जो ऐसे काम करते थे इसीलिए उनकी हेल्थ वगैरह बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन आजकल जो है हम सब कुछ जल्दी अर्जेंट में, एक मिनट में, दो मिनट में क्या हो सकता है वही कोशिश करते हैं हम करने के लिए। इवन मैं बोल रही हूँ कि मैं भी वैसे ही हूँ, मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ जल्दी जल्दी जल्दबाज में हो जाए, लेकिन शरीर जो है अपना हेल्थ मेंटेन रखने के लिए पहले के लोग जो है वही है, उनका खाना पीना, उनका रहने का तौर तरीका, उनका काम करने का तौर तरीका, वो सब एक अलग ही एक मज़ा है, अलग ही एक तरीका है। वहाँ से इस तरफ आ गई थी, देखिए पूरा एकदम बड़ा सा गार्डन है, आराम से हम चल फिर सकते हैं, और थक गए तो बीच बीच में उन्होंने स्टैंड वगैरह बनाया है बैठने के लिए। पूरा एकदम ग्रीनिश प्लांट्स वगैरह लगा के ना बहुत ही बढ़िया से ग्रीनिश जो है बरकरार रखे हैं। वहाँ से देख लोग आ रहे, इसी से हमने एंटर किया था, अभी यहाँ से एग्जिट होना है हमें। और इधर से तो इस तरफ आएंगे तो बड़ा सा एक स्टैचू बनाया है, फिश जो पकड़ते हैं ना उन लोगों का है ये।
देखिए बाहर का है, इस तरफ से हम एंटर बाहर जाएंगे, लेकिन उसके ऑपोजिट में एक बोट रखा हुआ है। मच्छी जो मछुआरे जो रहते हैं ना, उन्हीं की एक ट्रेडिशन है ये, तो उसी के लिए बोट और उनकी कम्युनिटी कैसे रहता है वो दिखाया हुआ है। और कारवार तो है कोस्टल एरिया, तो मच्छी के लिए तो एकदम बढ़िया सा फेमस जो एरिया है कारवार। आप कभी भी आओगे, ड्राई फिश या फिश एकदम ताज़ा सा फिश जो है आपको मिल जाएगा, और ड्राई फिश भी आपको मिल जाएगा, सूखी मच्छी जो है वो भी फेमस है। तो फोटोज जो मैंने खींचा था वो डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। जैसे मैंने बताया, आप भी अगर फैमिली के साथ में जाइए, एंजॉय कीजिए, सारे चीज़ देखिए, प्लेसेस देखिए। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑल कीजिए, तभी मैं जो भी वीडियोस डालूँगी अब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय गाइस।